ये जो प्रॉब्लम है मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, प्रॉब्लम पढ़ता हूँ मैं। ए बी एंड सी कैरी ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 1/2, 1/3, 1/6। अभी इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो ये जो है 1/2, 1/3 और 1/6। अब ये सबको 6 से डिवाइड होगा, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 6 को 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 6 को खुद से डिवाइड किया तो 1 आएगा। तो रेशियो है 3:2:1। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और उसके बाद आपको दिया है, तीन पार्टनर्स है। ऑन 31 मार्च 2016 दे एग्रीड टू सेल द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी को बेचने का डिसाइड किया है। उनका बैलेंस शीट दिया है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, फिर मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर्स, फिर एसेट साइड में प्रॉपर्टी, मशीनरी, बुक डेट, स्टॉक और कैश। ठीक है, द कंपनी टुक्स ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एट द वैल्यू शोन बिलो। प्रॉपर्टी 22,000, मशीनरी 11,000, बुक डेट्स 14,000, स्टॉक 12,000, गुडविल 4,000। अभी कैश के बारे में बोला नहीं है, तो कंपनी ने कैश टेकओवर नहीं किया है। द कंपनी ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स 7,700 पे करेगी, और लोन ऑन मॉर्गेज के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अपने को खुद को वो पे करेगा है। कंपनी पेड ₹33,500 इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस इन कैश, पिछले प्रॉब्लम के जैसा है, और एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500। तो अपने को मॉर्गेज लोन और एक्सपेंसेस खुद को अपने को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सबसे पहला इधर भी जो परचेज कंसिडरेशन है वो नेट एसेट मेथड से है, बाद में सेटलमेंट नेट पेमेंट से होगा। स्टार्ट करते हैं परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से। तो फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे पहला बॉर्डर, कल से तुमको छुट्टी है ना, तो 8 दिन पढ़ाई करने का, गणपति आ रहे, तो बॉर्डर बनाया। अभी रूलिंग करते हैं, ओके तो सबसे पहला आएगा एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। तो एसेट्स टेकन ओवर में सबसे पहला आएगा प्रॉपर्टी 22,000, उसके बाद मशीनरी 14,000,
मशीनरी 11,000 की है। बाकी में बुक डेट्स मतलब डेटर्स बुक डेट्स 14,000, फिर स्टॉक 12,000, स्टॉक के बाद गुडविल 4,000, गुडविल लेने को भूलने का नहीं, और कैश टेकओवर नहीं किया है, गुडविल 4,000, और इनकी टोटल $63,000, इसमें से लायबिलिटीज टेकन ओवर लेस करना है, लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर में सिर्फ क्रेडिटर्स लेना है, क्रेडिटर्स का वैल्यू 7,700, एक ही है आउटर कॉलम में लिखेंगे, और फिर माइनस करके परचेस कंसीडरेशन आएगा, परचेस कंसीडरेशन 55,300, क्लोज करते हैं। सबसे पहला ये एसेट्स की टोटल, उसके बाद ये जो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये अभी परचेस कंसीडरेशन का कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद सेटलमेंट नेट पेमेंट मेथड से तो इधर लायबिलिटी का नाम है पार्टनर्स कैपिटल, सेटल किया है इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स दिए है 33,500 के इक्विटी शेयर्स है, और बाकी कैश दिया है बैलेंसिंग फिगर 55,300 है, उसमें से 33,500 माइनस करेंगे, कैश देंगे 21,800 परचेस कंसीडरेशन, ठीक है। अब ये परचेस कंसीडरेशन को क्लोज करते हैं, उसके बाद अभी हम लोग इधर अकाउंट्स बनाएंगे, सब
सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टीम पार्टनर्स है ए बी और सी। उसके बाद लिमिटेड कंपनी अकाउंट, अभी उन्होंने क्या क्या दिया अपने को, इक्विटी शेयर्स और कैश। तो बाद में इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स बनाए, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है कैपिटल, कैपिटल कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बीस हजार, पंद्रह हजार, तेरह हजार। उसके बाद लाइबिलिटीज है रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। उसमें लोन ऑन मॉर्गेज और क्रेडिटर्स, लोन ऑन मॉर्गेज 4,000 है और क्रेडिटर्स 8,000। टोटल 12,000। उसके बाद एसेट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में प्रॉपर्टी 18,000, प्रॉपर्टी के बाद मशीनरी 12,000, बुक डेट्स 15,000, स्टॉक 13,000, कैश नहीं आएगी। इसकी टोटल लेते हैं आउटर में
58,000 और इसका डबल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट नहीं आएगा, कैश आएगा कैश अकाउंट के डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 2000 है। अभी उसके बाद अपना पोस्टिंग पूरा हो गया है, अभी एडजस्टमेंट में अपने को लोन और मॉर्गेज पे करना है, तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ये आएगा लोन ऑन मॉर्गेज। ये आएगा 4000 और इसका डबल इफेक्ट आएगा कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लोन ऑन मॉर्गेज। ये आएगा 4000। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट पूरा किया। अभी पीसी का एंट्री करते हैं, 55,300 इधर लिखेंगे बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट, तो ये आएगा 55,300 और इसका लिमिटेड कंपनी के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, अभी उसके बदले में इक्विटी शेयर दिया है 35,000 के, इक्विटी शेयर्स बाय इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर से लिमिटेड कंपनी अकाउंट, ₹35,000 इसका डबल इफेक्ट इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट, और बाकी का जो पैसा है वो कैश में दिया है, कैश में दिया है 21,800। तो इधर बाय कैश अकाउंट, दूसरा इफेक्ट कैश के डेबिटेड ट्वेंटी वन एट हंड्रेड टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोग ने उनको पे किया। अब इक्विटी शेयर जो आएंगे ये अपने को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट की टोटल लेनी पड़ेगी, क्रेडिट की टोटल लेते हैं, ₹67,300।
एक मिनट, इधर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करना है ना, तो इधर टू कैश अकाउंट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 500, तो 4800 प्रॉफिट आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और इसका कैश के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट 500 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये 4800 को उनका जो रेशियो है 3:2:1 में डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला जो है ए, ए को आएगा 3/6, 4800 × 3/6, दूसरा 2/6, 1/6, तो ये 800 आएगा। क्लोज करेंगे, सबसे पहला एसेट्स और टोटल, उसके बाद लाइबिलिटीज की टोटल, उसके बाद ये फाइनल टोटल, ठीक है। तो ये क्लोज करके प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ₹2,400, ₹1,600 और ₹800, ठीक है। अभी इनके टोटल के रेशियो में अपने को देने का है, ठीक है। तो सबसे पहला टोटल निकालते हैं, ₹22,400, ₹16,600 और ₹13,800, ये तीनों की टोटल लेते हैं। तीनों की टोटल 52,800। अभी अपने को 52,800 के रेशियो में डिवाइड करना है, टोटल्स दिए हैं 33,500। एक मिनट, ये 33,500 है, तो 33,500 और 21,800 आएगा, 33,500
ठीक है, तो 33,500 को अपने को 52,800 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला हम लोग देंगे 33,500 को हम लोग देंगे 22,400 और 52,800 को, उसके बाद दूसरे को 33,500 इंटू 16,600 52,800, तीसरा जो है थर्टीन एट हंड्रेड अपॉन 52,800। कैलकुलेट करेंगे कितना आता है, 33,500 इंटू 22,400 डिवाइडेड बाय, तो ये पॉइंट में आ रहा है। अभी अपने को 10 डिजिट्स तक लेने का है, मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेने का है। सबसे पहला कैलकुलेट करते हैं, बाद में देखेंगे कैसे लेना है। तो अभी पहला जो है 14212, हर एक चेयर 10 रुपये का है, तो ये 14210 लेंगे, फिर ये 10530 लेंगे, और ये 8760, और ये तीनों की टोटल 33,500 होनी चाहिए। थर्टी थ्री फाइव हंड्रेड है, तो पहले वाले को मिलेगा 14,210, तो इधर क्रेडिट में बाय एज कैपिटल एज कैपिटल बीज कैपिटल सीज कैपिटल, एक को मिलेगा 14,210, बी को मिलेगा 10,530, और तीसरे का 8760, ठीक है। तो इनका डबल इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट, तो ये आएगा 14,210, 10,530 और 8760, ठीक है। अभी इसका बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैश में देंगे, ये ट्रांसफ़र करते हैं, तो टोटल 22,400, 16,600, 13,800 ये ट्रांसफ़र की, और बाकी का हम लोग उनको कैश देंगे टू कैश अकाउंट। पहले का आएगा 22,400 में से 14,210 8190, दूसरे का 6070 5040, इतना कैश में देंगे, ठीक है। क्लोज करते हैं, क्लोज किया, इधर का भी क्लोज करेंगे। अभी इसको ट्रांसफर करेंगे कैश के क्रेडिट में, तो इधर बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल आएगा, और अमाउंट है
8190 6070 और तीसरे का 5040। अभी भगवान का नाम लेते हैं, देखते हैं टैली बताइए। ट्वेंटी थ्री एट हंड्रेड वेरी गुड, टैली हो गया। क्लोज करते हैं। तो कल से तुमको छुट्टी स्टार्ट हो रही है, सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा पढ़ाई भी करो एंजॉय के साथ। तो ये बाकी सारे अकाउंट्स अपने आप क्लोज हो जाएंगे। इक्विटी शेयर्स क्लोज हो गया, उसके बाद ये लिमिटेड कंपनी भी क्लोज हो जाएगा। फिफ्टी फाइव थ्री हंड्रेड से क्लोज हो गया। तो ये बाकी ऊपर के अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो ये प्रॉब्लम अपना ख़त्म हो गया। आज थोड़ा मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, आपकी छुट्टी चालू हो गई 8 दिन की। फिर 8 दिन के बाद फ्रेश होके मिलेंगे। ओके, तब तक सबको हैप्पी गणेश उत्सव। थैंक यू।